हेलो दोस्तों, ऑलराउंडर वीडियोज अजीत चैनल की तरफ से सबको नमस्कार। आज आप लोग के सामने एक वीडियो लाए हैं। ये देखिए, आपके सामने एक्यूस और सिंपल ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम का दिख रहा होगा। आज हम इसका अनबॉक्सिंग और कैसे शुगर नापते हैं, कैसे इसका सेटिंग सब करते हैं, आज हम आपको करके दिखाएंगे। आइए हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, ये बैग में दिया अच्छा है। आइए इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। देखिए दोस्तों, ये आप लोग के सामने ये बिल्कुल बैग दिया है। इस बैग के अंदर आपको ब्लड ग्लूकोज टेस्ट स्ट्रिप दिया है। इसमें क्वांटिटी कितना, 25 पीस। और ये एक्यूश्योर टीएम सिंपल का ग्लूकोमीटर है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग का। ये देखिए, ये ऑन है, पहले से ऑन किया हुआ है। चेक किया हुआ है, ये मैंने ऑफ, मतलब ये कंडीशन में है, ऑन कंडीशन में। ये इसका पेन दिया हुआ है, इसे फिंगर से ब्लड सैंपल लेंगे। इसके बारे में अभी ये बताऊंगा आपको। और इसमें ये इसका पिन दिया हुआ है जो इसके अंदर लगता है, पिन दिया हुआ है। तो दोस्तों, कैसे चेक करते हैं शुगर, आइए हम आपको पूरा पहले सेटिंग के बारे में बताएं, उसके बाद आपको पूरा बताते हैं कैसे चेक करते हैं। ये आपके सामने दिख रहा होगा, ये पेन है, इसका पेन है। इसमें कैसे इसको नीडल को सेट करते हैं हम आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने ये गोला सा जो दिख रहा होगा ऊपर छोटा सा, इसको क्लॉक वाइज या एंटो क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये खींच देंगे, ये देखिए, ये ऊपर का ये घुमाएंगे क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, और ये ऐसे देखिए खुल गया। ये आपके सामने ये नीडल दिख रहा होगा, देखिए पतला सा दिखा। इसको हम कैसे इसमें सेट करेंगे पेन में, पहले ये बना हुआ देखिए, इसमें ये अभी क्लोज में है, इसको घुमाएंगे इधर, अनलॉक हो गया। ये ऐसे ओपन कर देंगे, ये ओपन हो गया। तब ये इसमें दिख रहा होगा, ये देखिए इसी में ये नीडल जो मैंने ओपन किया है, इसको नीडल साइड अप रहेगा और ये टेल साइड इसमें बैक में इसमें रहेगा। पूरी तरह अच्छी तरह से फिट करना है इसमें। ये लॉक हो गया, बंद हो गया। तो ये आपके सामने जो ये दिख रहा होगा, ये नंबरिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5 लेवल, और ये एरो ये जिस पे ये रहेगा घुमाएंगे इसको उस पे सेट हो जाएगा। देखिए 4 पे 3 पे 2 पे 0 पे, इससे इसका ये है कि इससे साइज ऑफ नीडल उतना तेज पेनिट्रेट करेगा, उतना डीप जाएगा फिंगर में। तो हम इसको 3 या 4 पे सेट करके रखेंगे, 3 या 4 पे। कैसे यूज करना है इसको,
इसको ये पीछे देख रहे हैं, ये ऐसे पीछे खींचेंगे टेल, जैसे पिचकारी खींचते हैं ऐसे खींचेंगे तो ये बटन अप हो गया, ये बटन जो दिख रहा होगा ये अप हो गया, ये दबाएंगे, ये देखिए कट से आवाज़ हुआ, ये नीडिल, यहाँ से नीडिल तुरंत निकाल के फिंगर में यहाँ पेंट्रेट करके तुरंत वो पैक हो जाएगा। तो इसमें अब इसको स्क्वीज करेंगे तो ब्लड आ जाएगा उंगली में। पहले क्या करना है उसमें, इस पेन में नीडल सेट करने के लिए इसको ओपन यहाँ से करना है, फिर लगाने के बाद फिर इसको क्लोज करके इसको चार पे सेट कर लीजिए या तीन पे सेट कर लीजिए, मैंने इसको चार पे सेट किया हुआ है। फिर इसको एक्टिव कैसे करेंगे, ये पीछे का टेल जो दिख रहा है इसको ऐसे पीछे खींचेंगे ऐसे एक ही बार, ये बटन जो दिख रहा है पुश बटन ये अप हो जाएगा। देखिए अब इसको फिंगर पे कॉटन स्वैब से लेके इसको एंटीसेप्टिक या कुछ सोल्यूशन द्वारा रब कर देंगे कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना हो फिंगर में, क्योंकि शुगर वाले मरीजों को इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए साफ़ सफाई जितना रहे उतना सही है। तो इस फिंगर में ऐसे ऐसे करके इसको सेट करके ये यहाँ पे ऐसे पुश बटन करेंगे ऐसे, तो ये फिर सैंपल आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सैंपल में यहाँ, अब ये देखिए इसमें स्ट्रिप यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ ये दिख रहा है ओपन यहाँ पे, तो स्ट्रिप लगा करके सैंपल ऐसे करके वहाँ सेंटर में टच करेंगे तो आपका रीडिंग इसमें आ जाएगा, जो कि नॉर्मल शुगर लेवल जो होता है 70 से 110 mg/dL होता है। ठीक है दोस्तों, हमें लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कैसे इसको स्ट्रिप लगा करके कैसे करना है, इसमें कैसे सेट करके कैसे ब्लड सैंपल निकालना है मैंने आपको बताया, इससे शुगर आपका इसमें वैल्यू स्ट्रिप लगा करके सैंपल इसमें टच करें, ब्लड जो ड्रॉप आया होगा उसको स्ट्रिप पे टच करेंगे तो इसमें आपका ग्लूकोज लेवल आ जाएगा। हमें लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, धन्यवाद। ये क्यूसेयर का सिंपल मैंने ग्लूकोमीटर के बारे में पूरा डिटेल बताया, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये देखिए आपके सामने ग्लूकोमीटर है, इसको पहले सेटिंग करने के पहले ये ऑन करना है, ऑन करने के लिए पहले देखेंगे इसको चेक करेंगे बैटरी लगा है कि नहीं, बैटरी नहीं लगा है तो उसमें बैटरी लगाना है पहले। देखिए इसमें ये पतली वाली बैटरी लगी हुई है, ये माइनस स्प्रिंग की साइड और प्लस इस साइड लगाना है, तो ये मैंने इसको लगा करके ऑन कर लिया है, ये ऑन हो चुका है, ये ऑन हो गया। आपको स्ट्रिप इसमें कैसे लगाना है ये आपको दिख रहा होगा, ये साइड जो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए ये दिख रहा है साइड, इसमें ये ऐसा पिन आ रहा है, स्ट्रिप ग्लूकोज स्ट्रिप आता है इसमें, जैसे इसमें ये लगा हुआ है एरो दिख रहा है तीन, एक दो तीन एरो इस साइड लगाना है अंदर, और ये जो पतला वाला इधर ब्लड सैंपल जो फिंगर से कलेक्ट किए रहेंगे यहाँ इसको ब्लड सैंपल टच कराना है। तो आप समझ गए कैसे स्ट्रिप लगाना है, यहाँ पे स्ट्रिप लगाना है, इस डिब्बे में रखा हुआ है स्ट्रिप, इसमें लगाना है। मैंने प्रैक्टिकल आपको बता दिया है कैसे क्या लगना करना है, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर मैं इमेज में बताता हूँ। पहले सैंपल फिंगर का लेने के पहले आप हैंड वाश अच्छे से करेंगे, वाइप्स करेंगे, उसके बाद मैंने इस पेन में कैसे सेटिंग करना है, कैसे ये वाला नीडिल कैसे इसमें सेट करना है मैंने आपको बता दिया, कैसे ओपन करना है इसको, इधर इसको घुमा देंगे तो इधर अनलॉक हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा, तो ये नीडल ओपन करके इसमें ये लगा देना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये देखिए घुमाया है ऐसे करके ये ओपन हो गया, ओपन होने के बाद फिर ये वाला पिन मैंने इसमें से ले करके ये लगा दिया, ये क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज करने के बाद ये फिर ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ओपन होने के बाद ये मैंने फिर इसको इस टैप को क्लोज करके ऐसे घुमा करके अटैच कर दिया। इसके बाद ये मैंने इस बता ही दिया इस पर, ये सेटअप जितना करेंगे उतना ज़्यादा ब्लड आएगा,
एक पे करेंगे तो कम ब्लड आएगा, उससे ज़्यादा करेंगे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा सैंपल निकलेगा। इसलिए मैंने अपना जो है 3 से 4 पे सेट किया है। ये फिर ये देख रहे हैं, फिर ऐसे करना है, ये पीछे वाला खींचना है, ब्लैक वाला जो दिया है ऐसे, तो पुश बटन ये अप हो जाएगा। फिर 8वां ये स्ट्रिप निकालना है बॉक्स से, इसे स्ट्रिप निकालना है बॉक्स से, फिर ग्लूकोमीटर में सेट करना है जैसे बताया, स्ट्रिप ऐसे इस तरह सेट होगा। फिर उसके बाद इसमें चिन्ह दिखाएगा, ग्लूकोमीटर में चिन्ह दिखाएगा सैंपल का, अगर स्ट्रिप लगाएंगे तो ऐसा दिखाएगा, तो उस समय आपको ये आपका रेडी हो गया है, ब्लड सैंपल का तैयार, मतलब जांच लेने के लिए तैयार हो गया है। तो आप कॉटन स्वैब या स्पीड का स्वैब वो ले करके फिंगर को रब करेंगे, 30 सेकेंड तक ड्राई होने के लिए रखेंगे, फिर पेन को सेटअप करके, फिर ये दिख रहा है जैसे ऐसे सैंपल अपना निकलने के बाद, ये स्ट्रिप में जो टिप पे है ये टच कराना है, ये देखिए इस तरह से सही है और ये गलत तरीका है। टच कराएंगे ब्लड सैंपल यहाँ से लेके यहाँ तक जाना चाहिए, न कि आधा रहना चाहिए, नहीं तो गलत रिपोर्ट आएगा। तो ये करने के बाद 80 आया, 8 सेकेंड तक वेट करेंगे, 100 गया। फिर उसके बाद होने के बाद स्ट्रिप को डिस्कार्ड कर देंगे सूटेबल जगह पे, फिर इसको ऑफ़ कर देंगे, इसको भी ओपन करके इसे नीडल को निकालना है, अगर फेंकना है, अगर सिंगल यूज है तो कई बार कर सकते हैं, 8 से 10 बार यूज कर सकते हैं, नहीं तो ख़राब हो जाता है, जंग लग जाता है, ट्रीटमेंट होने का चांस रहता है। अगर एक दूसरे का हो, एक दूसरे मतलब एक ही लोग को करे तो ठीक है, अगर एक ही नीडल से 2 लोग हो 3 लोग करें तो इन्फेक्शन फैलने का चांस ज़्यादा होता है, इसलिए उसे डिस्कार्ड कर दें। ठीक है, ये नीडल को मोड़ करके फोल्ड करके ऐसे नहीं फेंकना है, फिर इसको सूटेबल जगह पंचर प्रूफ कंटेनर में इसको डिस्कार्ड कर दें। तो दोस्तों ये आपको मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया, कैसे करना है, शुगर अपना जांच करना है, और नॉर्मल आए तो ही ठीक है। तो रेंज दोस्तों, रेंज मतलब लोग कहते हैं कितना होना चाहिए शुगर, कितना नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में डिटेल आपको बताऊँगा। अगर लेस देन 20 mg पर DL आया है आपका, अगर ब्लड सैंपल जो आया है 20 mg पर DL आया तो बिल्कुल लो है, एकदम लो। अगर 20 से 69 mg पर DL आता है तो लो शुगर है आपका, सही नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, हल्का सा ORS लेना है या कुछ खा लेना है, बिस्कुट ले लेना है, ठीक है। अगर खाना खाने के पहले 70 से 129 है तो ठीक, खाना खाने के बाद जो होना 70 से 180 होना चाहिए, वैसे नॉर्मली जो होता है 70 से 119 mg पर DL होना चाहिए। अगर हाई क्यों बोलेंगे, अगर बिफोर मील नाश्ते के पहले अगर 130 से 239 आता है तो नॉर्मल नहीं है, हाई है। अगर खाना खाने के बाद 180 से 239 आता है तो भी हाई है, अगर 120 से 239 आता है तो भी हाई है, अगर 240 के ऊपर जाता है, 240 के ऊपर जाता है तो हाई है, मतलब कीटोन है, हो सकता है कीटोन बॉडी शरीर में बन रहे हैं, तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर एकदम 650 mg पर DL के ऊपर है तो एकदम हाई है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाते रहें। आपको मैं चार्ट दिखा दे रहा हूँ, आप ये बॉक्स खोलेंगे अपना शुगर ग्लूकोमीटर का तो उसमें बुकलेट दिया होगा, बुकलेट में आपको सब पूरा दिया होगा, मैं आपको इसका चार्ट दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपको चार्ट ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, हमें लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।